हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोवी मोम एंड ब्यूटी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका यूरिन का कलर होता है वो कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी ज़्यादा डार्क येल्लो होता है, कभी कभी ऑरेंज कलर का होता है और कभी कभी आपका बिल्कुल वाटर जैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा आपका जो यूरिन का कलर आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए अच्छा, और कौन सा यूरिन का कलर आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपके बच्चे के लिए भी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरी ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येल्लो और उसके अंदर हल्का सा ऑरेंज होता है तो इसका मतलब ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी यूरिन का कलर डार्क येल्लो होता है तो इसका मतलब फ्रेंड्स, आपके जो बच्चे के एमनियोटिक फ्लूड होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, वो एमनियोटिक फ्लूड सूखने लगता है। अगर एमनियोटिक फ्लूड की कमी होगी तो आपका बच्चा अच्छे से हलचल नहीं कर पाएगा, आपके बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो कई बार तो फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर एमनियोटिक फ्लूड की कमी होगी तो डॉक्टर आपका सी सेक्शन करते हैं। उस कंडीशन में आप जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको तो आप भूल ही जाइए। सेकंड फ्रेंड्स, क्या होता है अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर आपको प्रॉब्लम जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम, आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप एक्स्ट्रा जो टैबलेट होती है वो लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम ज़्यादा गोलियाँ खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी, आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका फिर भी डार्क कलर का यूरिन आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नॉर्मली आयरन कैल्शियम की टैबलेट लेती हैं, अगर उसके बाद भी आपका यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क आता है तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। थर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर पानी कम पीती हैं तो इसकी वजह से भी आपका यूरिन का कलर डार्क खा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर अगर अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहती हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर आप खूब सारा पानी पीजिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास आप जरूर डेली पानी पीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूड के अंदर कमी नहीं होगी। जो पानी की थैली होती है जिसमें आपका बच्चा रहता है, एमनियोटिक फ्लूड आपका अच्छे से रहेगा तो आपका बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा, आपके बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होगी और आपका बच्चा हेल्दी होगा। इसका नेक्स्ट कारण क्या होता है, अगर आप रात को वॉशरूम नहीं जाते तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हैं तो इसके वजह से आपका यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात पर अगर आप पानी नहीं पीते और आप सुबह यूरिन पास करने जाते हैं डायरेक्ट, अगर आप रात को नहीं जाते तो इससे आपका यूरिन का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आपका यूरिन का कलर सही रहे, तो आप कोकोनट वाटर जरूर लीजिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही जो जूस वगैरह होते हैं वो आप जरूर लेते रहिए, आपके बच्चे को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर आपको यूरिन के अंदर हल्का सा ब्लड वगैरह दिखाई दे तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, ये आपका यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, उस टाइम आपको घर बैठकर वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको यूरिन को लेकर आपके मन में जो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरी ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।